हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं दोस्त के सुपरस्टार से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें, जो लेकर एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहली खबर जान लेते हैं जो जुड़ी है हमारे सुपरस्टार रवि किशन से। रवि किशन की फिल्म सन की दरोगा बिहार झारखंड के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। आप लोगों ने अगर फिल्म देख ली है तो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। इस फिल्म का कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग या फिर कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो भी बताइएगा। लेकिन अगर नहीं देखी आपने रवि किशन की ये फिल्म तो जरूर जाइए और अभी इस फिल्म को देख कर आइए, क्योंकि फर्स्ट डे ही इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और अगली खबर जो है वो भी इसी फिल्म से जुड़ी है, क्योंकि संघर्ष फिल्म मल्टीप्लेक्स में रिलीज होने के बाद रवि किशन की फिल्म दूसरी सन की दरोगा ऐसी फिल्म है जो मल्टीप्लेक्स में रिलीज होने जा रही है। और अपनी इस फिल्म को मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर में देखने के लिए रवि किशन सहित अंजना सिंह भी पहुंची हैं। इसके अलावा अगली खबर खेसारी लाल यादव से जुड़ी है। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर आजकल अश्लीलता को लेकर काफी सारी बातें हो रही हैं। कोई कहता है कि हमारे खेसारी बहुत अच्छे हैं, हमारे खेसारी कभी अश्लील गाने नहीं गाते, तो कोई कहता है खेसारी लाल सिर्फ अश्लीलता के जन्मदाता हैं। किसके बातों को यकीन करें और किसकी बातों को दरकिनार ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं खेसारी लाल की उन 5 पारिवारिक फिल्मों के नाम जिसे हर वर्ग के लोग देख सकते हैं या फिर देखने के बाद हर वर्ग के लोग जिस फिल्मों को पसंद करते हैं उस फिल्म की जानकारी भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगली खबर बता देते हैं, क्योंकि अगली खबर भी खेसारी लाल यादव से ही जुड़ी हुई है। खेसारी लाल यादव के करीबी महेश आचार्य ने खेसारी को अश्लीलता के लिए टारगेट करने वालों के लिए कहा है कि खेसारी अश्लील गाने नहीं गाते हैं, मैंने उन्हें देखा है, मैंने उनकी फिल्में देखी हैं, मैंने उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है और उन्होंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। तो सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन मैं महेश आचार्य का पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले अगली खबर बता देती हूँ जो सुपरस्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई है। सुपरस्टार पवन सिंह ने अपने फैंस, अपने दर्शकों से यह अनुरोध किया है कि वो रवि किशन की फिल्म को जरूर देखें जिसका नाम है सन की दरोगा, क्योंकि रवि किशन इंडस्ट्री के बादशाह हैं और उन्होंने अभी तक जितनी फिल्में दी हैं वो सुपरहिट रही हैं, वो एक्टिंग में बहुत अच्छे हैं। तमाम तारीफें करके पवन सिंह ने लाइव आकर अपने दर्शकों से अनुरोध किया कि सन की दरोगा को जरूर देखें। तो जितने भी सुपरस्टारों से जुड़ी खबर हमने आपको बताई है उसे विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नजर। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। आज से बिहार झारखंड के सिनेमाघरों में रवि किशन स्टारर भोजपुरी फिल्म सन की दरोगा रिलीज हो गई है, जिसे दर्शकों का खूब सारा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। बिहार के 55 सिनेमा सेंटर में लगी फिल्म सन की दरोगा को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि फर्स्ट शो फर्स्ट डे इस फिल्म के लिए लकी साबित रहा है और सिनेमाघर फुल है। जी हाँ, वैसे तो इस फिल्म से पहले भी काफ़ी सारी उम्मीदें लगाई गई थी, लेकिन पहले दिन से ही फिल्म प्रगति की ओर बढ़ रही है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म के प्रमोशन में की गई स्टारों की मेहनत अब कामयाब होती नजर आ रही है। रवि किशन इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं अंजना सिंह पुलिस इंस्पेक्टर के प्यार में महबूबा बनेंगी। इसके साथ ही मनोज टाइगर विलन के किरदार में हैं, जिनका साथ देंगे पप्पू यादव। सबसे खास बात तो ये है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रवि किशन खुद हैं, डायरेक्टर शेफ किदवई हैं। एक महीने पहले ही इस फिल्म के ट्रेलर को जी म्यूजिक भोजपुरी पर रिलीज किया गया था, जिसे अभी तक 10 लाख लोगों ने देखा है। आज से फिल्म बिहार झारखंड के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, लेकिन फिर भी अभी तक इस फिल्म का प्रमोशन जारी है। तो अगर आप लोग देख चुके हैं फिल्म तो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर नहीं देखी तो अभी जाइए अपने नजदीकी सिनेमाघर में इस फिल्म को जरूर देखिए। आज से भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर 2 फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं, जिनका नाम है सन की दरोगा और दूसरी फिल्म का नाम है मुन्ना मवाली। हालांकि मुन्ना मवाली का प्रमोशन उतना ज़्यादा नहीं किया गया, लेकिन सन की दरोगा का प्रचार बिहार के हर अलग अलग राज्यों में पहुंचा दिया गया है, तो जाहिर है इसका फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा ही। इसलिए एक खुशखबरी रवि की फिल्म के लिए ये साबित हुई कि सन की दरोगा को सबसे ज़्यादा सिनेमा सेंटर मिले। हालांकि इन दोनों फिल्मों को टक्कर देने के लिए पहले से ही एक फिल्म संघर्ष
का तीसरा सप्ताह सिनेमाघरों में चल रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि इन तीनों फिल्मों के टकराव के बाद कौन सी फिल्म सबसे आगे जाती है या कौन सी फिल्म को सबसे ज्यादा दर्शक अपना प्यार देते हैं, क्योंकि संघर्ष की सफलता से तो आप लोग रूबरू होंगे ही, लेकिन ऐसे में रवि किशन की फिल्म सन की दरोगा अच्छा व्यवसाय कर पाएगी या नहीं, ये एक सवाल है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल का दबदबा इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म संघर्ष से काफी ज्यादा बढ़ गया है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि खेसारी लाल की संघर्ष के अलावा इंडस्ट्री में पांच ऐसी फिल्में हैं जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, और ये फिल्में सिर्फ युवा वर्ग को ध्यान में रखकर या मनोरंजन के लहजे से नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये फिल्म पारिवारिक लहजे से बनाई गई थी जिसे युवा से लेकर बड़े से लेकर बुजुर्गों से लेकर बच्चों ने भी पसंद किया था। तो आज हम खेसारी की उन्हीं पांच फिल्मों का जिक्र करने जा रहे हैं जो पूरी तरह से पारिवारिक है। इसमें मेहंदी लगा के रखना है, दूसरी फिल्म दुल्हन गंगा पार के है, तीसरी फिल्म संघर्ष है और चौथी फिल्म है पुरानी दूध का कर्ज। इसके अलावा पांचवी फिल्म खेसारी की मेरे दो अनमोल रतन थे। इन सारी फिल्मों को सिर्फ युवा दर्शकों ने ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्गों ने भी बहुत सराहा था। इतनी अच्छी अच्छी फिल्में खेसारी ने की हैं और जैसे जैसे वो आगे पारिवारिक फिल्में दे रहे हैं, खेसारी से उम्मीद दर्शकों की काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आगे भी उम्मीद है कि वो ऐसी ही सुपरहिट और पारिवारिक अच्छी फिल्में देती रहेंगे। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल को लेकर उनके करीबियों का मानना है कि भोजपुरी में बढ़ती अश्लीलता के लिए लोग सिर्फ जिम्मेवार खेसारी को ठहरा रहे हैं, इसलिए खेसारी के ही एक सबसे करीबी और म्यूजिक आर्टिस्ट महेश आचार्य ने कहा है कि मैंने भी वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, उसमें खेसारी ने ऐसी कोई बात बोली तो नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये कोई साजिश नहीं है, क्योंकि खेसारी के खिलाफ और एक कलाकार के खिलाफ क्यों कोई साजिश करेगा। अपने शो में खेसारी हंगामा नहीं करवाते, बल्कि हर स्टेज शो में ऐसे कुछ लोग आते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हुड़दंगई करने में मज़ा आता है। वो शो का मज़ा लेने नहीं आते, वो सिर्फ पत्थर मारकर शो को फ्लॉप करवाना चाहते हैं। और जहाँ तक रही बात अश्लीलता की, तो बता दें कि अश्लीलता किसी सिनेमा में नहीं बल्कि नज़रिए में होती है। खेसारी का कोई कसूर नहीं है, मैं उनके साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की एक फिल्म बलम हुआ तोहरे खातिर रिलीज हुई थी एक सप्ताह पहले, जिसे पर्दे पर उतना खास रिस्पॉन्स तो नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी इस फिल्म को पवन के फैंस ने खासा पसंद किया था। इसका एक कारण ये भी था कि इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक भी बार पवन ने ना तो लाइव आकर कुछ कहा था और ना ही अपने सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए कोई जानकारी दी थी। लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात है कि अपनी फिल्म को छोड़ पवन ने लाइव आकर रवि किशन की फिल्म सन की दरोगा का प्रमोशन किया। जी हाँ, बीते दिन पहले लाइव आकर पवन सिंह ने अपने दर्शकों और फॉलोअर्स से यह अपील की है कि वो सन की दरोगा ज़रूर देखें। इसके अलावा पवन ने तो रवि किशन को बादशाह ही बता दिया है। पवन के अलावा निरहुआ ने भी लाइव आकर ये कहा है कि सन की दरोगा को ज़रूर देखें। तो इतने सारे स्टारों ने जब फिल्म का प्रमोशन कर ही दिया है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि कितना प्यार इस फिल्म को दर्शकों की तरफ से मिल पाता है। देश को महिला अपराधों के खिलाफ बनाने की मुहिम के तहत बनाई गई भोजपुरी फिल्म सन की दरोगा का बिहार में हिट होना तय है। ये देखा भी गया है कि जो फिल्में बिहार में चल जाती हैं वो बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होती है। ये दावा है भोजपुरी अभिनेता पप्पू यादव का, जो सुपरस्टार रवि किशन, अंजना सिंह और मनोज टाइगर के साथ फिल्म के प्रमोशन को आज बोधगया की पावन धरती पर पीआर सिनेमा घर पहुंचे थे। गया में उन्होंने कहा कि बुद्ध की धरती पर आकर मन प्रसन्न हो गया, यहाँ के लोगों का प्यार और दुलार बहुत मिला है। हमारी फिल्म 7 सितंबर यानी कल से पूरे बिहार झारखंड में रिलीज हो रही है, इसलिए हम अपील करते हैं कि अपराधों के मुक्त भारत के अभियान में जुड़ें और फिल्म जरूर देखें। पप्पू यादव ने कहा कि हम फिल्म के प्रमोशन को बीते दिन से बिहार में कर रहे हैं, जहां लोगों का अभूतपूर्व प्यार, स्नेह और समर्थन मिला है। इसके आधार पर हम दावे से कह रहे हैं कि सन की दरोगा भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। फिल्म को लेकर रवि किशन भी कह चुके हैं कि फिल्म सन की दरोगा एक छोटी सी पहल है, छोटी बच्चियों तक नहीं छोड़ने वाले दरिंदों ने भारत की छवि को धूमिल कर दिया है। दुनिया भर में एकमात्र हमारा देश है जहां महिलाओं को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है, और मैं चाहता हूं ये आगे भी ऐसे ही बरकरार रहे। 7 सितंबर से बिहार के मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में भी सन की दरोगा को रिलीज किया जा रहा है। तो आज
आज के सुपरस्टार से जुड़े प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर से होगी मुलाकात ऐसे ही सुपरस्टारों से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।